Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Janagar Madam. This is Janagar Madam and you're watching me, Janagar Madam. In today's class, I'm gonna teach you advanced English structure. Day 103. Guys, हम अपने डेली लाइफ में ना जाने कितने बार कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को काफी बार बोला करते हैं. फॉर इंस्टेंस, मैंने तुम्हें आते हुए देखा था. मैंने तुम्हें पिज्जा खाते हुए देखा था. मैंने उसे जाते हुए देखा था. तो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग काफी बार अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में बोला करते हैं. तो आइए जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं. तो इसे बनाना बहुत ही आसान है गाइज, बस आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग हियर. आपको जब भी किसी व्यक्ति को किसी काम को करते हुए देखा था बोलना हो तो आप यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखा था. ओके, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ होता है. देन आपको क्या करना है, प्लस अदर पर्सन, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे उसको इंडिकेट करना है. अदर पर्सन, अदर पर्सन प्लस वर्ड की फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड, अदर वर्ड. सब्जेक्ट प्लस सो प्लस अदर पर्सन, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे चर्चा करेंगे. ओके, प्लस वी फोर, वर्ड की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाना है, प्लस अदर वर्ड. तो गाइज, ये हो गया आज का हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सो प्लस अदर पर्सन प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड. तो चलिए इस स्ट्रक्चर को और भी बेटर वे में समझने के लिए इन सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं. इससे क्या होगी, आपकी जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं. मैंने तुम्हें आते हुए देखा था. मैंने क्या है, सब्जेक्ट आई, उसके बाद सॉ का यूज करेंगे, देखा था, मैंने देखा था, आई सॉ. अदर पर्सन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें, यू. देन बिफोर, आते हुए, कमिंग, आई सॉ यू कमिंग, आई सॉ यू कमिंग. मैंने तुम्हें पिज्जा खाते हुए देखा था. आई सॉ, मैंने देखा था, तुम्हें, यू, पिज्जा खाते हुए, हैविंग पिज्जा, पिज्जा. गाइज, यहां पे आप ईटिंग का भी यूज कर सकते हैं. ओके, आई सॉ यू हैविंग पिज्जा, आई सॉ यू हैविंग पिज्जा. मैंने उसे जाते हुए देखा था. आई सॉ उसे, हिम, यदि लड़की होगी तो आप हर का यूज करेंगे. आई सॉ हिम जाते हुए, गोइंग. आई सॉ हिम गोइंग, आई सॉ हिम गोइंग, यदि लड़की होगी तो आप हर का यूज करेंगे. आई सॉ हर गोइंग. नेक्स्ट वन, मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देखा था. आई सॉ यू टॉकिंग टू हिम, यदि लड़की होगी तो हर का यूज करेंगे. आई सॉ यू टॉकिंग टू हिम, आई सॉ यू टॉकिंग टू हिम, यदि लड़की होगी तो आप हर का यूज करेंगे. फॉर इंस्टेंस, आई सॉ यू टॉकिंग टू हर, उसने मुझे चोरी करते हुए देखा था. उसने मुझे चोरी करते हुए देखा था. उसने, यहाँ पे सब्जेक्ट है,
ही सॉ मी क्या करते हुए, चोरी करते हुए, स्टीलिंग. ही सॉ मी स्टीलिंग, ही सॉ मी स्टीलिंग, मैंने आपको नहाते हुए देखा था. आई सॉ यू क्या करते हुए देखा था, नहाते हुए. टेकिंग अ बाथ, आई सॉ यू टेकिंग अ बाथ, आई सॉ यू टेकिंग अ बाथ, मैंने उसे पढ़ते हुए देखा था. I saw him, लड़की होगी तो her, क्या करते हुए देखा था, पढ़ते हुए, studying. सॉरी गाइज, यहाँ पे studying का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे y मिस हो गया है. studying, I saw him studying. I saw him studying. यदि लड़की होगी तो कैसे बोलेंगे, I saw her studying. I saw her studying. Then next one, मैंने बच्चों को रोड पर खेलते हुए देखा था. I saw बच्चों को, children. I saw children playing, कहां पर, रोड पर, on the road. I saw children playing on the road. I saw children playing on the road. मैंने उसे फोन पर बात करते हुए देखा था. गाइज, ये सेंटेंस आपके लिए है, आपको इस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. तो गाइज, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिली हो, तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय भारत, माँ की जय हो.